इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से। पीलीभीत के बिलचंडा ब्लॉक में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, मोटी रकम लेकर आवंटित किए गए आवास, ग्रामीणों का गंभीर आरोप, पात्रों के नाम जारी कर दिए गए आवास। गरीब आज भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर, ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार, अधिकारियों से की शिकायत। बिलचंडा ब्लॉक में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, न्याय के लिए दर दर भटक रहे ग्रामीण। दरअसल बीसलपुर तहसील क्षेत्र के ब्लॉक बिलचंडा में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया, बिलचंडा ब्लॉक के गांव नवा नगला में सचिव पुष्कर राणा और ग्राम प्रधान सत्यवती ने मोटी रकम लेकर अपात्रों के नाम आवास आवंटित कर दिए हैं। ऐसे में जरूरतमंद अब दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आपको बता दें, आरोप है कि जिनके ना पास तीन मंजिला इमारत है, उनके नाम आवास दिए गए हैं, जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, वह आज भी आसमान के तारों को देखकर आवास की लिस्ट में नाम आने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बीते कई दिनों से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसके बावजूद भी अभी अधिकारियों के कानों में चू नहीं रहेंगी। फिलहाल कई बार मामले की शिकायत की जा चुकी है, हालांकि अभी तक ग्रामीणों को संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि मामले को लेकर अब काफी गहमा गहमी भी गाँव में देखने को मिल रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों को न्याय कब मिलता है, कब आवास आवंटन की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्यवाही की जाती है, इसको देखने वाला विषय होगा। फिलहाल ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं और आवास आवंटन के भ्रष्टाचार प्रणाली पर भी सवाल या निशान उठा रहे हैं। मेरा नाम मुरारी लाल है, हरिनगर नवा नगला का रहने वाला हूँ। सचिव का नाम पुष्कर राणा है और प्रधान का नाम सत्यवती। इन्हें मोटी रकम लेके मेरा लिस्ट में से नाम कटवा दिया गया है और जिनके पास लेंटर और ट्राली है उनके पास उनके मकान बनवा रहे हैं पक्के आवास पैसा लेकर। तो प्रधानमंत्री आवास लिस्ट से आपका नाम काट दिया गया? हाँ, नाम काट दिया गया है। आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। और मैं जिला पीलीभीत तक दिया है एप्लीकेशन, बीसलपुर दिए, बिलझंडा दिए, किसी ने मेरी अभी तक नहीं सुनी है। तो अगर अभी तक नहीं सुनी फिर आप कहाँ तक शिकायत करने जाएंगे? मैं नखलाऊ तक जाऊँगा सर।